आप लोगों में से किसी ने भूला भाई देसाई का नाम सुना है? भूला भाई देसाई फ्रीडम फाइटर थे और बॉम्बे बार के लॉयर थे। उनके देहांत पर उनके शव को कंधा देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू खुद बम्बई गए थे। तो भूला भाई देसाई जब आपकी तरह यंग लॉयर थे, तो वो एक दिन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में बैठकर कुछ नोट्स ले रहे थे। तो उस समय इनवेरेरिटी नाम के एक सीनियर एडवोकेट वहां होते थे। उन्होंने आके कहा, यंग लॉयर, व्हाट आर यू डूइंग? तो ही सेड कि सर, माय केस इज लिस्टेड टुमारो, आई एम जस्ट टेकिंग नोट्स ऑफ इट। तो इनवेरेरिटी सेड, क्यों, तुम्हारे दिमाग में जो भगवान ने जगह दी थी वो सब भर गई है क्या? तो भूला भाई देसाई फेल्ट वेरी बैड। पर जब उन्होंने इनवेरेरिटी साहब के बारे में पता लगाया, तो उन्हें पता लगा कि ये किसी केस में कोई नोट्स नहीं लेते हैं और बिना किसी नोट्स के मेमोरी से पूरा का पूरा केस बताते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध हैं। भूला भाई देसाई ने इसको अपने दिल पर लिया और उसके बाद जो उन्होंने उसी डायरेक्शन में तैयारी की, तो आपको शायद नहीं मालूम होगा कि जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की ट्रायल लाल किले में चली, तो भारत के टॉप लॉयर्स की एक टीम बनी जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, बी एन राव थे, उसमें भूला भाई देसाई भी थे। और भूला भाई देसाई को ये जिम्मेदारी दी गई कि उस मैटर को वो ब्रिटिश जजेस के सामने आर्ग्यू करें। भूला भाई देसाई ने ये प्रपोजिशन किया कि अगर किसी देश की पूरी जनता लगभग उठ खड़ी होती है अपनी देश की आज़ादी के लिए और शासक से विद्रोह करती है, तो इंटरनेशनल लॉ में इसको राज्य से विद्रोह नहीं कहा जाएगा। और इस प्रपोजिशन को करने के लिए जब उन्होंने बहस की, तो 2,500 पन्ने की पेपर बुक से बिना एक नोट लिए एक-एक पेज, एक-एक पैराग्राफ, एक-एक पंक्ति का उल्लेख किया। तो जिन ब्रिटिश प्रोफेसर्स ने वो हियरिंग सुनी, उनमें से एक ने ये लिखा है कि इस समय ब्रिटिश सूरज जो है वो पूरी दुनिया में डूबता नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग ब्रिटिश राज है। पर हमने इस एक्यूमेन का कोई लॉयर पूरे देश में अभी तक पूरी दुनिया में नहीं देखा है। ये हमारा ट्रेडिशन है।